हेलो दोस्तों, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया था कि फिनाल को आप प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं फिनाल, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। और यदि आपको फिनाल बनाना ही ना आया तो फिनाल की रिएक्शनें और सारा कुछ कैसे कर पाओगे। दोस्तों, मैंने आपको एक विधि तो करवा दी थी, लेकिन पेपर में कभी कभी पूछा जाता है फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप फिनाल बनाने की मैंने आपको बताई है एक विधि, तो आप दो विधि कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरी विधि भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक देखते रहिए वीडियो को। और मैं यहाँ पर बताने, जैसे ही दोस्तों आप सेकंड विधि को बनाते हैं तो कहते हैं वहाँ पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, किसको दोस्तों, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम के साथ पहली बार गर्म करते हैं। फिर जब इन दोनों को आप गर्म कर देते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम के साथ, तो वहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड को आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तब जाकर आपका फिनाल प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, जिसका फार्मूला होता है C6H5SO3 सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ये हो गया सोडियम और ये बेंजीन और ये सल्फोनेट। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब आप NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, किसके साथ दोस्तों, NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, तो आपका फाइनली जो तैयार होता है वह तैयार होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या तैयार होता है दोस्तों, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला होता है C6H5ONa। दोस्तों यदि आपको फार्मूले नहीं याद तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों बनने क्या वाला है, C6H5 ये वाला हो गया है, इसके बाद हमारा ये वाला जो Na है इस O के साथ, ये वाला जो Na है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए, ये रिएक्शन ये इसके साथ कनेक्ट हो जा रही है, तो हमारा C6H5ONa यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, ये हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्या है दोस्तों, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप जानते ही हैं। और इसके बाद दोस्तों इसे आप जानते हैं C6H5ONa, इसको भी आप शायद जानते होंगे, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, क्या है दोस्तों, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमारा दोस्तों सोडियम फिनॉक्साइड है। इसके बाद जब हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है तो फिर हमारे पास अभी कुछ बचता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि C6H5ONa बन गया, यहाँ पर हमारा C6H5 और ये ONa बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास ये कि ये H बचा है और SO3 बचा है और एक Na बचा है, तो इनसे रिलेटेड हम फार्मूला लगाएंगे, Na2SO3, आप एक फार्मूला जानते होंगे Na2SO3। फिर इसके बाद जब यहाँ से आप Na, हमारे पास दो एक Na था, तो हमें चूंकि फार्मूला हमारा होता है Na2SO3, तो मैंने यहाँ पर Na2SO3 बना दिया। फिर इसके बाद हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अभी H की संख्या एक्स्ट्रा हो रही है, हमें H अभी हमारे ये वाला H जैसे कि है ये कवर नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं H2O बाहर कर दूंगा, क्या बाहर कर दूंगा दोस्तों, H2O बाहर कर दूंगा। अब मुझे करना है रिएक्शन को बैलेंस, क्या करना है दोस्तों, रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H की संख्या एक है और यहाँ पर H की संख्या दो है, तो आप यहाँ 2 का मल्टीपल लगा देंगे, फिर आप अपने Na गिन लेंगे, तो यहाँ पर आप Na की संख्या देख पा रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास Na की संख्या 3 है। SO3 हमारे पास एक है, तो यहाँ पर SO3 एक है, C6H5 एक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास C6H5 एक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। जब इतना कर लेते हैं दोस्तों, सेकेंड विधि है, तो आप सोडियम फिनॉक्साइड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं C6H5ONa की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो सीधे से आपका C6H5 और OH बन जाता है। यहाँ से आपको जो बनाना था C6H5OH फिनाल, तो यहाँ से आपका C6H5 और ये वाला देखिए दोस्तों, ये C6H5 हो गया। इसके बाद हमारे पास हमें बनाना था OH, तो ये मैंने यहाँ पे H लगा दिया, तो हमारे पास एक ये वाला जो H है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं HO,
OHSO4 इस प्रकार भी इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरली तोड़ के। किस प्रकार दोस्तों स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ के हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये जो C2H5 है इस OH के साथ कनेक्ट होकर के क्या बना लिया दोस्तों C6H5OH बना लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचा ONA और SO4। तो यहाँ पर हम दोस्तों सिंपली बना देंगे Na2SO4। क्या बना देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा Na2 दोस्तों, क्या हो जाएगा Na2SO4 Na2SO4। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि पूरी तरह से ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। हालांकि दोस्तों ये बहुत कम पूछा जाता है सेकेंड रिएक्शन, लेकिन जो मैंने लैब मेथड पहले करवाया था वो बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए उसे आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर सोडियम की जो संख्या है 2 है और यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, तो आप यहाँ 2 का मल्टीपल करा देंगे। जब जैसे ही आप 2 का मल्टीपल कराएंगे तो C6H5 आपके पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक है, यहाँ भी आप 2 का मल्टीपल करवा देंगे। आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।